क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। दो बज चुका है और वक्त हो चुका है आपके खास शो का, जिसमें हम आपको सीधा आपके जवाब नेता से और पार्टी पक्ष से दिलाते हैं। और आज का मुद्दा बेहद अजीब है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का माहौल बदल चुका है। बड़ा अजीब होता है राजनीति का रंग, वही दुश्मन बनता है जो करीब होता है। 2024 की सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है, जिसके चक्रव्यूह में राजभर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि यूपी में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ सपा की अगुवाई में बना विपक्षी खेमा बिखरने लगा है। सपा से गठबंधन टूटने के बाद सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब बसपा से हाथ मिलाने की बात कह रहे हैं, लेकिन मायावती उन्हें तवज्जो नहीं दे रही हैं। बीजेपी भी राजभर को फिर से साथ लेने के लिए बहुत जल्दबाजी के मूड में नहीं दिख रही है। सपा से दोस्ती टूटने के बाद राजभर नए सहयोगी की तलाश में भी जुट गए हैं। ऐसे में राजभर की पहली प्राथमिकता बसपा नजर आ रही है। मायावती के साथ गठबंधन करने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन राजभर की ये कोशिश भी नाकाम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मायावती ने जो भतीजे हैं आकाश आनंद और जो पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है, उन्होंने ओपी राजभर पर जुबानी वार करते हुए कहा कि वो बहन जी के नाम पर सहारा ले रहे हैं, अपनी राजनीति की दुकान चलाने की कोशिश कर ले रहे हैं, और इशारों में उन्हें स्वार्थी भी कह दिया। आकाश आनंद ने ट्वीट करते हुए इशारों में काफी बड़ी बातें कह दी हैं। और इसी मुद्दे पर आज जो पार्टी के नेता, पार्टी के जिम्मेदार हैं, जनता के सवालों का जवाब देंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ खास मेहमान इस मुद्दे पर जुड़ेंगे। बिहार में फंसी अखिलेश से अलगाव बसपा ने नहीं दिया भाव। बसपा पर डोरे डाल रहे राजभर की चाहत होगी पूरी। क्या राजभर के आंगन में खिलेगा भाजपा का कमल? बेसहारा राजभर का आखिर कौन बनेगा सहारा? सियासी मझधार में फंसी राजभर की नाव। अखिलेश से अलगाव बसपा ने नहीं दिया भाव। बसपा पर डोरे डाल रहे राजभर की चाहत होगी पूरी। क्या राजभर के आंगन में खिलेगा भाजपा का कमल? बेसहारा राजभर का आखिर कौन बनेगा सहारा? सियासी मझधार में फंसी राजभर की नाव। अखिलेश से अलगाव बसपा ने नहीं दिया भाव। बसपा पर डोरे डाल रहे राजभर की चाहत होगी पूरी। क्या राजभर के आंगन में खिलेगा भाजपा का कमल? बेसहारा राजभर का आखिर कौन बनेगा सहारा? और जिस तरह से राजभर अब कहीं के नहीं नजर आ रहे हैं, और इसी मुद्दे पर जनता भी तमाम तरह की अटकलें लगा रही है, तमाम तरह की सवाल पूछ रही है, और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। मैं उन सबका परिचय आपसे करा दूं। समीर सिंह समाजवादी पार्टी की ओर से आज जनता के सवालों का जवाब देंगे। जैनेन्द्र अग्रवंशी सुभाषपा की ओर से आज जनता के सवालों का कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे। वहीं अशोक कुमार कालिया हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री बसपा से जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, आकाश आनंद ने तो इशारों में ही जो राजभर बसपा की कुंडी खड़काना चाहते थे और कहना चाहते थे कि हमें अंदर ले लो, इशारों में तो दरवाजा बंद कर दिया है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? आखिर इतनी तीखी तल्ख क्यों ओपी राजभर के लिए बसपा का? सबसे पहले तो प्राइम टीवी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि मुझे मौका दिया बोलने का। दूसरी बात, आज साहूजी महाराज ने जो 50% का आरक्षण की घोषणा की थी, इसकी वजह से मुझे भी बोलने का मौका मिला है जी। मैं उस मौके पर आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। रहा सवाल आपके, जो आपने क्वेश्चन किया है, हमारे माननीय आकाश आनंद जी जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ना ही किसी का नाम लिया है और ना ही किसी के बारे में उन्होंने कहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी का दरवाजा खटखटा रहे हैं, उस पर उन्होंने क्लियरेंस किया है कि बहन जी का नाम लेकर के तमाम लोग अपनी राजनीतिक दुकान चलाते हैं, चलाना चाहते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी में अब नहीं चलेगा।
आकाश आनंद का जो कहना है कि कई लोग बहन जी के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब बसपा अपना खुद का जमीन तैयार कर रहा है और खुद के दम पर 24 का चुनाव लड़ेगा। लेकिन राजभर ने साफ साफ कहा था कि वो एक बार कोशिश करेंगे बहन जी से बातचीत करने की, तो क्या अगर ओपी राजभर बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो कोई आसार नजर आ रहा है कि बसपा उन्हें अपनी ओर ले जाएगी, क्योंकि कोई भी उन्हें अपने पाले में लेता हुआ लेने के मूड में नहीं नजर आ रहा है। मुझे जहां तक याद है प्रकाश राजभर जी बहुजन समाज पार्टी का ही प्रोडक्ट है, बहुजन समाज पार्टी से ही निकल करके उन्होंने अपना दल अपना एक कोई संगठन बनाया, तो उनकी जो पहचान है पूर्व की पहचान है बहुजन समाज पार्टी से ही है। तो मेरे लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा उनके लिए कि अगर उनको उनको बहुजन समाज पार्टी दोबारा अच्छी लगती है तो वो पार्टी को अपना मर्ज करें बहुजन समाज पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी उनका सम्मान बढ़ाने का काम करे। चलिए समीर सिंह हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े। समीर सिंह, लगातार जनता का ये सवाल है और जनता पूछना चाहती है समाजवादी पार्टी से, जो ओपी राजभर का हाथ पकड़ के 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव चले, जो ओपी राजभर लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और बसपा को बोलते रहे कि ये पार्टियां काम नहीं करती, मैदान में नहीं आती, मैदान में सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता आते हैं, आज उन्होंने अखिलेश यादव को कह दिया कि एसी के कमरों में बैठने वाले नेता हैं, और कहीं ना कहीं बयानबाजी के चलते आज वो पार्टी के बाहर है, उन्हें पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्या कहेंगे आप उस पर? कृष्णा जी, अब काफी समय हो चुका है इस बात को चलते हुए, जब से राजभर जी की स्टेटमेंट्स आने स्टार्ट हुए हैं, चाहे वो चुनाव हारने के बाद उनका पहले प्रतिक्रिया आई, चाहे दूसरी आई, फिर तीसरी आई, तो एक के बाद एक जो प्रतिक्रिया चलती चली आ रही थी उसके चलते समाजवादी पार्टी ने देखिए हमेशा राजभर जी को अपना सहयोगी दल माना, सुभाषपा को अपना सहयोगी दल माना, और लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राज कृष्णा जी एको बहुत आ रहा है, प्लीज चेक। मैं पीसीआर को कहूंगी कि समीर सिंह का कनेक्टिविटी एक बार चेक कर लिया जाए। जैनिन जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से इनडायरेक्ट वे में आकाश आनंद ने भी ट्वीट किया है, तो कहीं ना कहीं बसपा भी अपने रास्ते बंद करती हुई नजर आ रही है, क्या करेगी सुभाषपा, क्या आगे की रहेगी सुभाषपा की? नहीं, हम तो बहन जी से समय मांगने जाएंगे अभी एक दो दिन में, 27 तक इंतजार कीजिए कल तक। और दूसरे के ये कि जो आकाश आनंद जी का ट्वीट है उसमें किसी भी पार्टी नेता का उल्लेख नहीं है, और जहां तक अगर आपको याद होगा कि चुनावों के समय कौन बहन जी का नाम सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहा था, तो आपको समझ में आ जाएगा जो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे, गोरखपुर से लड़ने गए थे, हो सकता है ये उनके लिए कहा हो, क्योंकि चुनावों के बाद से वो लगातार क्षेत्र में इधर उधर घूम के बहन जी के नाम का प्रयोग कर रहे हैं और उनको एक सहारा बना रहे हैं, सीढ़ी बना रहे हैं, तो ये हो सकता है उनके लिए कहा। लेकिन हमारी पार्टी ने अभी तक केवल पिछले 3 दिनों में ही केवल नाम लिया है बहन जी का, एक बार इंटरव्यू में माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने, और उन्होंने कहा है कि हम मिलने का समय मांगेंगे, हम कोई बहन जी के नाम पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, ना राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, हमारा अपना दल है, हमारा अपना वजूद है, 6 हमारे विधायक जीत के आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारे बारे में ट्वीट किया है, अगर उनको करना होता तो वो खुल के करते, साफ साफ करते, और उनको भी किसी बात का डर नहीं है, उनका अभी भी 13% वोट बैंक है। कहा था ना इनडायरेक्ट, तो अखिलेश यादव ने भी कहा था जिसको जहां ज्यादा इज्जत मिल रही है वहां चला जाए। आखिर ओपी राजभर के लिए ऐसा रुख क्यों अपनाया जा रहा है? नहीं, उनका तो देखिए उन्होंने नसीहत मानने से इनकार कर दिया और सलाह मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि हमें मतलब किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता क्या है मतलब कि अगर होता आप है? बहन कुमारी मायावती जी के पास जाएंगे तो आपकी सलाह वो मानेंगी? पहले भी आप रह चुके हैं और पार्टी से निकलने के बाद उन पर भी यही इल्जाम लगाया गया था ओपी राजभर की ओर से कि उनकी बात नहीं सुनी गई पार्टी में, वो दलित शोषित वंचित के हक की बात कर रहे थे और वो नहीं सुना गया बहन जी के द्वारा, इल्जाम तो पहले भी उन्होंने यही लगाया था। नहीं, उस समय परिस्थितियां अलग थी और वो एक शहर के नाम के परिवर्तन को लेके अलग हुए थे, कोई बात सुनी जानी या ना सुनी जाने का कोई मतलब नहीं था। तमाम तरह की बातें उन्होंने कही थी, उन्होंने ये भी कहा था आज जो वो जब अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि एसी के कमरों में बैठते हैं, सड़क पर निकलकर मेहनत नहीं करते, जनता के बीच भी आते हैं, इल्जाम तो मायावती पे भी लगाए गए थे ना 2022 के दौरान।
नहीं नहीं वो देखिए जब अलग हुए थे 1982 से राजनीति में है नेताजी और बसपा में ही थे शुरू से लेके 2000 तक लगभग, और उसके बाद अपना दल में गए थे तो कुछ दिन वहां रहे थे और हर जगह उनको धोखा मिला था। और दूसरी चीज है आप बसपा में नहीं मिला था, माफ कीजिएगा, बसपा में तो एक शहर का नाम परिवर्तन करने को लेके उनकी ऊपर के नेताओं से ठन गई थी थोड़ा सा। और अपना दल में जब गए थे तो उस समय क्या हुआ था कि उनको टिकट चाहिए था, उन्होंने तैयारी की थी लेकिन टिकट किसी और को दे दिया गया, ये कहानी थी। जहां तक बात रही अखिलेश भैया की, तो देखिए हम लोग आजमगढ़ उपचुनाव में माननीय धर्मेंद्र यादव जी का समर्थन कर रहे थे, हमारे नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर और 300 पदाधिकारी और हजारों कार्यकर्ता चुनाव में 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड में काम कर रहे थे वहां पे। लेकिन वहां के जो समाजवादी पार्टी लगा रही है कि उस दौरान नहीं, आप पूरी कोई बात सुन लीजिए, आप पूरी बात तो सुन लीजिए, नहीं जी नहीं मेरी पूरी बात सुन लीजिए, एक बार बात खत्म हो जाए आप अपने 50 सवाल पूछ लीजिएगा, चलिए लेकिन पहले बात तो किसी की कंप्लीट होने दीजिए। तो उस चुनाव में जब नेताजी सड़क पर कार्य कर रहे थे तो जो सपा के कार्यकर्ता थे वो भी आते थे, उन्होंने ये बात उठाई कि एक बार अखिलेश भैया को भी यहाँ पे आना चाहिए, और वही चीज हमारे नेताजी ने बोली कि अखिलेश जी को एसी कमरे से बाहर निकल के ट्विटर फेसबुक की राजनीति छोड़ के धरातल पे आना चाहिए, और बस इसी पे उन्होंने कहा कि हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है अखिलेश जी ने, और उसके बाद उन्होंने लेटर लिख दिया। चलिए समीर सिंह, किस तरह से आप देखते हैं इस तरह जो ओपी राजभर ने रुख अपनाया है, अब ऐसा हो चुका है कि देखिए चाहे कोई कुछ भी कह ले इनडायरेक्ट ट्वीट आए थे और इनडायरेक्ट अखिलेश यादव ने भी लिखा था कि जिसको जहां ज्यादा सम्मान मिल रहा है वहां चला जाए, इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं और एक बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकल कर बातें सामने आ रही है कि जो अब्बास अंसारी है आज उनके कई ठिकानों पर दबिश भी पड़ी है, और अब्बास अंसारी के चलते भारतीय जनता पार्टी अब ओपी राजभर को उन्हीं के दल से वो विधायक है उनकी वजह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार उनको अपनी पार्टी में नहीं लेना चाहती है। दूसरी ओर आकाश आनंद का इनडायरेक्ट ट्वीट, क्या कहना चाहते हैं आप वो भी राजभर के ये जो हालात बने हुए हैं सुभाषपा का उस पर? देखिए राजभर जी हमारे साथी थे, सुभाषपा हमारा सहयोगी दल था और हमने 2022 का चुनाव बहुत ही मजबूती से लड़ा, बहुत ही सबने मेहनत करी है, चाहे वो सुभाषपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो अपना दल का मेरावादी, हमारे जितने भी सहयोगी दल थे सबने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। ये बात अलग है कि हम उसका जो परिणाम आए चुनाव के वो हमारे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन उसके बाद भी 125 सीटों के साथ हम विपक्ष में है और विपक्ष की भूमिका निभाना बहुत ही जरूरी है, और जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, और हमने देखा कि पिछले जब से ये सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तब से प्रदेश में चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, ये सब बढ़ता चला जा रहा है, और एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मुद्दे भी सामने चले आ रहे हैं। तो इसके चलते समाजवादी पार्टी को देखिए मुख्य विपक्षी दल की भूमिका अपना निभाएगी, क्योंकि हमें जनता की आवाज बनना है, हमें जनता के खिलाफ जो कुछ सरकार की नीतियां उसके खिलाफ आवाज उठानी है। जो हमारे सहयोगी दल थे वो कहीं ना कहीं एक के बाद एक जब ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए जहां पे फिर ये महसूस हुआ, और एक वो कहते हैं ना कि नेल द कॉफिन, कि आखिरी जब जो राष्ट्रपति का चुनाव था, तो राष्ट्रपति के चुनाव में जिस तरीके से बसपा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने वोट किया, तो हमें ये समझ में आ गया कि देखिए अब उनकी राह अलग, अब जब वो राह अलग है और वो जब जाहिर है तब हमारे ओर से भी कोई ऑप्शन बचा नहीं था जब वो पत्र जाहिर करने के अलावा। तो देखिए अब हमने वो पत्र जाहिर कर दिया, हमने ये दोनों सहयोगी दलों के नेताओं को ये एक मैसेज दे दिया कि देखिए अगर आपको किसी और पार्टी में कहीं और सम्मान मिलता है, या आपकी जो महत्वाकांक्षा है, या जो भी आपका विजन है वो आपके किसी और दल के साथ अगर पूरी होती है तो आप वहां जाने के चलिए। समीर सिंह एक सवाल, और समीर सिंह एक सवाल और उठ रहे समाजवादी पार्टी पे कि चलिए शिवपाल और ओपी राजभर ने नहीं दिया समर्थन दिया राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को, अगर बाकी के जो और वोट 8-9 लगभग 8 वोट जो है नहीं 8 विधायकों ने नहीं दिए हैं, क्या उनका पता लगाएगी समाजवादी पार्टी? पता लगाकर भी उनके लिए सख्त रवैया अपनाया जाएगा समाजवादी पार्टी के द्वारा? जी बिल्कुल, अगर पार्टी देखिए आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि समाजवादी पार्टी ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया है, समाजवादी पार्टी ने कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता हो या पदाधिकारी हो
जिसने समाजवादी पार्टी की नीतियों या विचारधारा के विपरीत जाके कोई काम किया हो या अनुशासनहीनता दिखाई हो, अनुशासनहीनता हो, तो ये समाजवादी पार्टी ने उस पर एक्शन लिया है। तो ये जो भी सामने अगर आ रहे हैं तो कि विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है, तो उनका पता लगेगा और पता लगने के बाद उनको उचित कार्यवाही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी पार्लियामेंट्री वोट करेगा। अब जिस बात पे आपने मेरे से सेकंड टाइम जो क्वेश्चन पूछा था उसका बस मैं आंसर दे दूं कि देखिए, अब राजभर जी स्वतंत्र हैं, राजभर जी को अपना जो भी उनकी राजनीति जिस तरीके आगे उनको करनी, वो किस दल के साथ करना चाहते हैं, वो स्वतंत्र करना चाहते हैं, वो उनका खुद का डिसीजन है, वो उनके पार्टी का डिसीजन है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा कोई से नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि उसमें टिप्पणी करना मेरा उचित रहेगा। 2022 में तो अखिलेश यादव हाथ पकड़ के चले थे ओम प्रकाश राजभर का, तमाम तरह की बड़ी बड़ी बातें खुलेआम स्टेज से करते हुए नजर आए थे अखिलेश यादव और ओपी राजभर। आखिर ऐसा क्या हो गया कि ओपी राजभर को मनाने में नाकाम रहे अखिलेश यादव और उन्हें यह कहना पड़ा कि आप अपनी खुशी, आपको इज्जत जहां मिली वहां ज्यादा चले। और एक इल्जाम और भी लगाया गया तो ओपी राजभर की ओर से कि जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उस चुनाव में आपने समर्थन नहीं मांगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से समर्थन नहीं मांगा गया, जिसकी वजह से उन्होंने समर्थन नहीं दिया। तो ये जो आंतरिक कला चल रही है समीर, क्या ये आपको नहीं लगता ये समाजवादी पार्टी को कमजोर करती हुई नजर आ रही है? क्योंकि 2024 का चुनाव है और आप लोग कहते हुए नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है, जिस तरह से बिखरती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, जनता का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर होती नजर आ रही है, तो किस तरह से आप लोग अपनी मजबूती बढ़ाएंगे? क्योंकि शिवपाल यादव भी बिल्कुल अब इस इरादे में नहीं नजर आ रहे हैं और ओपी राजभर भी छोड़ के जा चुके हैं। आपका एक गठबंधन है आरएलडी, और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या उससे भी तो किसी विधायक ने नहीं सपोर्ट कर दिया राष्ट्रपति चुनाव में। देखिए, जितनी बातें भी आपने बोली इसमें दो तीन चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए, समाजवादी पार्टी बिखरती नजर आ रही है ऐसा तो मैं मुझे नहीं लगता, इस बात को मैं इसकी बात पूरी खंडन करता हूँ। समाजवादी पार्टी नहीं, इस डिबेट से पहले हमने जनता से बात करी, ये सवाल हमारे नहीं है, ये जनता के द्वारा पूछे गए हैं, तो उनका यही कहना है जो बहुत चाहने वाले हैं समाजवादी पार्टी के, उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके जो सीनियर लीडर है वो जा रहे हैं, कई लोग ये भी जो बड़े राजनीतिक विश्लेषक है उनका ये भी कहना है कहीं ना कहीं आजम खां का भी रुख बदल रहा है, तो जितने सीनियर नेता है वो कहीं ना कहीं साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी का। नहीं त्रिशला जी, इस बात में कोई सत्यता नहीं है। हमने देखा आजम खां साहब के रिलीज होने से पहले किस किस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, किस किस तरह के बयानबाजी चल रही थी, ये कहा जा रहा था कि आजम खान साहब नाराज हैं, उनके जो उनके मीडिया सलाहकार हैं उनके बयान से ये साफ साफ कई सारी चीजें टेबल जो आई उसको तोड़ मरोड़ के ये दिखाया जा रहा था कि अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी से आजम खान साहब का नाता टूटने वाला है। लेकिन आज असलियत आपके सामने है, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के साथ उसी तरह जुड़े हैं जैसे वो हमेशा से समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और एक जो एक स्तंभ है उसकी तरह साथ में जुड़े हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी का कोई नेता कहीं नहीं जा रहा है, पहली बात ही मैं क्लियर करता हूँ। समाजवादी पार्टी के जितने बड़े नेता है, इनफैक्ट हमने देखा कि 2022 के चुनाव से पहले कुछ ऐसे बड़े नाम थे जो कि समाजवादी पार्टी छोड़ के जा चुके थे, वो वापस समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी कहीं नहीं बिखर रही। और रही सहयोगी दलों की बात, तो देखिए राजनीति में गठबंधन जो बनते हैं उसके कई अलग रीजन होते हैं। हमने देखा कि अगर आप ये कहें कि देखिए गठबंधन टूटने से या गठबंधन बनने से किसी की ताकत कम होती है बढ़ती है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के आज भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश और देश में जिस ऊंचाई पे भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने भी कई जगह ऐसा हुआ है जहां पे उन्होंने गठबंधन किए हैं, नए चाहते थे कि ये गठबंधन 2024 तक चले, लेकिन कई कुछ कार्य
साथ नहीं है, आरएलडी अभी भी हमारे साथ है, अपना दल कमेरावादी हमारे साथ है, बाकी आगे जिस तरीके से 2024 का चुनाव लड़ना है उसकी रणनीति समाजवादी पार्टी अब बनाएगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पे सोच विचार करेंगे कि अब 2024 का चुनाव की रणनीति किस रणनीति के तहत लड़ना है, और हमें पूरा विश्वास है कि हम बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे, और जो भी हमारे साथ रहेगा उनके साथ समाजवादी पार्टी रहेगी, और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह सकते हैं, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं। चलिए अशोक कुमार जी, जिस अब सीधा सीधा बसपा की तरफ से कह दिया गया है कि बसपा अपना ग्राउंड तैयार करेगी, बसपा को किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बसपा के पास अपना वोट है, जैसा कि हमेशा से बसपा कहती आई है कि उनके पास पिछड़ों और दलितों का वोट है, मुस्लिम्स का वोट उनके पास है, तो ऐसे में किस तरह की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, और ओपी राजभर जिस तरह से लगातार कोशिश कर रहे हैं बहन मायावती जी से बात करने की, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है जनता जानना चाहती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति आंदोलन से हमारे हजारों महापुरुषों के सहयोग से उनकी मेहनत से ये यहाँ तक आया है। बहुजन समाज पार्टी उसका एक रूप है, राजनीतिक रूप है, जिसे माननीय कांशीराम साहब ने बनाया था, और आज बहुजन समाज देश में बड़े पैमाने पर 2024 की तैयारी में लगी हुई है। देश में दो तरह की विचारधाराएं काम कर रही हैं, एक है मनुवाद पर आधारित और दूसरी है अंबेडकरवाद पर आधारित, एक यथास्थितवाद रखना चाहती है और बहुजन समाज पार्टी इस देश में समता मूलक समाज बनाना चाहती है। तो उस स्थिति में बहुजन समाज पार्टी देश की सर्वजन समाज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दे करके आगे बढ़ रही है, जिसमें दलित एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज और जो अपर कास्ट के गरीब लोग हैं ये सारे लोग मिल करके बहुजन समाज पार्टी को इस देश में सत्ता में लाना चाहते हैं। और मैं आपको तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि रात भर जैसे तमाम लोग जी 2022 में तो ऐसा कुछ नहीं दिखा जी, 2022 के चुनाव की अगर बात की जाए तो 2022 में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दल बाद में है, पहले एक वो सामाजिक परिवर्तन का मूवमेंट है, मिशन है, और मिशन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, राजनीति में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप देखिएगा कि अभी जो आजमगढ़ का चुनाव हुआ था तो जब हमारा वोट 12.5% पहुंच गया था 2022 के चुनाव में विधानसभा चुनाव में, और दो महीने बाद आजमगढ़ चुनाव में हमको जो वोट पड़ा है वो 29% से ज्यादा पड़ा है जी। तो ये जो वोट आया है ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ने का काम करेगा। जिन लोगों को लगता था कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई इस देश में प्रदेश में ऐसा नहीं है जो हमारे साथ न्याय कर सके, वो सारे लोग आज हमारे साथ दोबारा जुड़ रहे हैं, और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से देश को प्रदेश को सबको बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी 2024 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को विपक्ष का नहीं बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर तैयारी कर रही है कि हम ऐसी ताकत पैदा करेंगे कि 2024 में देश का प्रधानमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से अभी एक इतिहास बना है कि आदिवासी समाज की जिन लोगों को लोग जंगल में रहने के लिए मजबूर किए थे वो आज देश की राष्ट्रपति बनी है, तो अब इस देश को लोग दलित प्रधानमंत्री जो शेड्यूल कास्ट जिनको लंबे समय से सताया गया है तोड़ा गया है पीटा गया है उनकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सर्व समाज की नेता बन करके और 2024 में इस देश से ये जो जंगलवाद है ये जो शासन चल रहा है जिसे आप हिटलरशाही शासन कह सकते हैं उसका खात्मा अगर कोई करेगा तो बहुजन समाज पार्टी और उसके नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी करेंगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, और राजभर जी जैसे तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी में मर्ज करेंगे,
ऐसा मेरा विश्वास है कि बहुत लोग हैं जो तमाम दल बना करके बहुजन समाज को बिखेरने का काम किए थे, वो अब सारे के सारे लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। तो आपका कहीं ना कहीं सीधा इशारा है, सीधा सीधा इशारा है कि आप अगर राजभर आपके दरवाजे पे आते हैं तो आप उन्हें घर के अंदर बुलाएंगे? बिल्कुल, दरवाजे पे तो कोई आएगा, क्यों नहीं बुलाएंगे, सबका स्वागत होता है। और जैसा कि अभी सुभाषपा के प्रवक्ता ने कहा कि जब ओपी राजभर अलग हुए थे बहुजन समाज पार्टी से, बसपा से, तो ऐसी कोई आंतरिक कलह नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, किसी शहर के नाम बदलने को लेकर के था, तो क्या ये बातें सच है और ऐसा ही था? तो अब कितनी एकता होने की आसार नजर आ रही है बसपा और सुभाषपा में? देखिए, ये मेरी नॉलेज में नहीं है और ना ही मैं उनके वक्तव्य को सुन पाया हूँ, लेकिन जैसा आप बता रही हैं तो ये मेरे जानकारी में नहीं है। हालांकि बहन जी ने तो जो भी जिले बनाए हैं उन जिलों में सभी महापुरुषों को उन्होंने मौका दिया, सम्मान देने का काम किया है, जिनको इतिहास में कभी जगह नहीं दी। इतिहास में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब उनको शासन करने का मौका मिला 5 साल का, तो बड़े पैमाने पर जिले, मंडल, विद्यालयों के नाम, डिग्री कॉलेज के नाम और मेडिकल कॉलेज के नाम, इंस्टीट्यूशन के नाम रख करके उन महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है। अगर ऐसा कुछ रहा होगा तो मेरे नॉलेज में, जानकारी में नहीं है, और अगर ऐसा है तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जो भी हमारे दरवाजे पर आएगा उसका घर के अंदर स्वागत है, वेलकम करेंगे हम। चलिए जरेन जी, सीधा सीधा बसपा के प्रवक्ता ने कह दिया है कि अगर आप जाते हैं, अगर ओपी राजभर बात करते हैं तो स्वागत है आपका। तो क्या 2024 की लड़ाई में आप बसपा के साथ खड़े होंगे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सामने, या फिर सिर्फ समाजवादी पार्टी आपका विपक्षी पार्टी होगा? नहीं, अभी 2024 में आने में लगभग 1-1.5 साल है चुनाव का, और अभी कुछ भी कहना बहुत ज्यादा उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी बहन जी से भी हमें समय लेना है और बहन जी से मुलाकात अगर हो जाती है तो उसी के बाद आगे का डिसीजन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लेंगे, तो इस बारे में तो खैर बोलना ज्यादा जल्दी होगी कि 2024 में क्या कौन विपक्ष में होगा, कौन पक्ष में होगा, कौन किसके साथ होगा, क्योंकि अभी हाल में ही आपने देखा कि जुबानी वार चल रही है ओपी राजभर की, उससे तो कुछ यही नजर आता है, वो तो साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, अभी हाल में ही देखा आपने, पिछले 1 महीने में अपना दल ने माननीय शिवपाल यादव जी ने और हमारी पार्टी अलग हो गए। अब ये तीनों लोग भी तो कहीं जाएंगे, उसमें से हमारा तो ये है कि हम पहले बहन जी को मिलने का समय मांग रहे हैं, जब भी मिलेगा वो उचित होगा। माननीय शिवपाल जी कहाँ जाएंगे, माननीय जो अपना दल है तो वो माफ कीजिएगा महान दल, तो माननीय केशव देव मौर्य जी कहाँ जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी बहुत सारे छोटे दल हैं तो वो देखना पड़ेगा कि कौन कहाँ जाता है और किस तरह से ऊंट किस करवट बैठेगा, उसके बारे में अभी बोलना बहुत ज्यादा जल्दी है। चलिए, लेकिन आपके नेता तो साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो बहन कुमारी मायावती के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, वही है जो दलित तो जब गठबंधन होगा उसके बाद ही हम आगे बता पाएंगे, उनके लिए कुछ अच्छा कर सकती है उत्तर प्रदेश में जितने हैं, उनका तो साफ साफ यही कहना है, वो तो साफ साफ यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, ओपी राजभर साफ साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उनकी मायावती से बात होती है, बसपा से उनकी मीटिंग होती है, उसमें वो जाते हैं तो मजबूती के साथ उनके साथ खड़े होंगे, और एक बसपा ही ऐसी पार्टी है जो पिछड़ों की पार्टी है, वो उनके लिए अच्छा करती है, उन्हें तो साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं ना, और उन्होंने यही इल्जाम लगाया समाजवादी पार्टी के ऊपर कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों की नहीं सुनती है, पिछड़ों को टिकट नहीं दिया। नहीं, ये तो शुरुआती बात थी कि हमारा मनभेद जो था, वो मतभेद था, वो कैसे हुआ, वो केवल टिकटों को लेके शुरू हुआ और जब एसी कमरों से बाहर निकलना चाहिए इस वाक्य के साथ खत्म हुआ। उस बीच में हमने ये भी देखा कि राष्ट्रपति चुनाव के समय हमें दिया गया निमंत्रण हमसे वापस ले लिया गया, तो ये सारी एक एक करके घटनाएं थी जो अलग होने का कारण बनी। लेकिन अभी जो आप बता रहे हैं तो जिसने अच्छा काम किया है उसकी तो तारीफ की ही जाएगी और जिसने बुरा किया है वो बोलना पड़ेगा। अब अगर आप कहें कि मैं दिन को रात कहूं तो रात नहीं कहूंगा, यही हमारे माननीय नेताजी की खासियत है, वो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। दूसरी चीज,
कि पहले बहन जी के साथ हमारा गठबंधन हो जाने दीजिए, बहन जी से बात हो जाने दीजिए, वो क्या शर्तें रखते हैं नेताजी और क्या शर्तें रखती हैं बहन जी और किस बिना पे वो गठबंधन बनेगा या नहीं बनेगा, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। चलिए समीर सिंह, जिस तरह से लगातार ओपी राजभर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मायावती से बात करेंगे, उसमें आकाश आनंद का ट्वीट भी है, साथ ही साथ अभी आपने सुना कि बसपा के कुमार अशोक ने क्या कुछ कहा कि अगर वो आती हैं तो अगर ओपी राजभर आते हैं बसपा में तो उनका स्वागत है। आपको क्या लगता है कि ओपी राजभर अगर किसी पार्टी से गठबंधन करते हैं तो 2024 में एक चुनौती के रूप में खड़े होंगे समाजवादी पार्टी के सामने? जी, पहले तो अगर मैंने बात सही सुनी है या फिर जो बात अभी बसपा के प्रवक्ता यहाँ बोल रहे थे, अगर वो बात जिस तरह से मैं समझी है, तो उन्होंने ये बोला है कि बसपा अगर साथ में आती है तो वो बहुजन समाज पार्टी में विलय करेगी और जो पार्टियां बहुजन समाज पार्टी से निकली है वो सारी पार्टियां वापस आके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगी। तो अगर ये बात सही है तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि बात हो रही है सम्मान की कि समाजवादी पार्टी ने सम्मान नहीं किया, और जिस पार्टी के साथ ये जाने की बात कर रहे हैं वो तो इनकी पार्टी ही खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो वो सम्मान वाला एंगल तो काफी ज्यादा पीछे रह जाएगा इस केस में। बाकी सुभाषपा और ओपी राजभर जी जैसा भी ठीक समझे अपने आगे के राजनीतिक सफर के लिए वो वैसा करेंगे, और अगर सुभाषपा और बसपा का गठबंधन होता है तो वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हो रहा है। हालांकि हम तो यही चाहते थे कि सब साथ में एक विपक्ष मिलके लड़े, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई पार्टियां साथ में आती है तो उसमें फिर हम तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्गली लड़ेंगे, और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश से और इस प्रदेश से निकलनी चाहिए सत्ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो उनकी कार्यशैली है, जो उनके सिद्धांत है, वो समाजवादी पार्टी और जो अभी बसपा के प्रवक्ता पहले भी नहीं किया, अभी जो बस हमारा अभी जो बसपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि अंबेडकर वादी पार्टियों का वो लोहियावादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा बहन जी का ये कुमार, आप समीर को अपना पक्ष, कुमार आप समाजवादी पार्टी से समीर सिंह को अपना पक्ष रख लेने दें, फिर आप अपना पक्ष रखें। जी समीर जी, तो जैसे मैं कह रहा था कि अभी बसपा के प्रवक्ता जी ने ऐसे बोला था कि अंबेडकरवादी सोच, लोहिया जी के सिद्धांत, समाजवादी विचारधारा, ये विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से बिल्कुल विपरीत, इनकी कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरीके से जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, जिस तरीके से ये देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, इस सरकार पे लगाम लगाने के लिए समाजवादी पार्टी किसी भी हद तक जाएगी, कितनी भी हमें मेहनत करनी पड़े, कैसे भी हमें लड़ना पड़े, हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, क्योंकि सामाजिक न्याय और दलित पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, किसानों, जरूरतमंदों के लिए जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी, पहले प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के रूप में और उसके बाद 2024 में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी के रूप में। चलिए कुमार अशोक बताएं, आप अपना पक्ष रखें। अभी अभी हमारी पार्टी ने एक आंदोलन शुरू किया है, यूं कहा जाए कि प्रत्येक विधानसभा में 75,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है जी। और वो 31 जुलाई तक चल रहा है, हमारी जो तैयारी है तो वो बड़े पैमाने पर है कि हम 2024 में अकेले एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर के आने के लिए हम तैयारी अपनी कर रहे हैं, पूरे देश स्तर पर कर रहे हैं। अभी देखा होगा आपने, डबल आवाज आ रही है पूरे देश स्तर पर। अभी बहन जी ने 5-6 स्टेटों के मीटिंग की है, उनको निर्देश दिए हैं, और उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है, जिस पर मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो तैयारी है, आज देश बहन कुमारी मायावती जी की तरफ देख रहा है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से देख रहा है, सारी पार्टियों को, सारे नेताओं को देख लिया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या कोई भी पार्टी है, सब एक ही फैली के चट्टे बट्टे हैं, ये सारे के सारे यथास्थित रखना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश में समतामूलक, समता समानक, समता
बंधुत्व न्याय और भाईचारे पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहती है, ना कोई बड़ा हो ना कोई छोटा हो, ना कोई अमीर हो ना कोई गरीब हो। ये बाबा साहब अम्बेडकर जो कॉन्सेप्ट था, बाबा साहब को जो सपना था, माननीय कांशीराम साहब ने जो पार्टी बना करके हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट दिया है कि इस देश की शासन सत्ता पर कब्जा करो, क्योंकि शासक का शोषण नहीं होता है। आज आप देखते हैं बड़े पैमाने पर जगह जगह पर महिलाओं के साथ अत्याचार, दलितों के साथ कहीं मूंछ उखाड़ी जाती है, कहीं मूंछ रखने पर जान से मार दिया जाता है, कहीं पेशाब पिलाया जाता है, कभी तेजाब से नहलाया जाता है, कभी जिंदा जला दिया जाता है। ये सब इन सब चीजों को अगर खत्म करना है तो बहुजन समाज पार्टी को, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश की शासन सत्ता पर लाना ही होगा। चलिए, और बहुजन समाज पार्टी अनुशासन प्रशासन पर काम करती है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार को लोगों ने देखा है, जब बहन जी मुख्यमंत्री होती हैं तो आईएएस आईपीएस अपने आप को नौकर समझता है, मालिक नहीं। चलिए जैनिंद, साफ साफ जिस तरह से बसपा के कुमार अशोक ने कह दिया कि गालिब दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छे हैं कि आप आएंगे, हमारा दरवाजा खटखटाएंगे, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उनका साफ साफ कहना है कि हमने सभी पार्टियों को देख लिया है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी अपना एक योजना चला रही है, हर विधानसभा में 75,000 सदस्यों को जोड़े और अकेले चुनाव लड़ेगी, तो कहीं आपकी हालत तो ऐसी नहीं हो जाएगी कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे आप? नहीं, अभी तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले एक बार मुलाकात हो जाने दीजिए, या फिर बहन जी खुद ट्वीट कर दें कि मुलाकात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप समय का थोड़ा सा इंतजार तो कीजिए। जब तक मुलाकात नहीं होती तब तक बहन जी के क्या उद्गार होते हैं और वो क्या नहीं होते हैं वो आगे देखा जाएगा। अगर एक प्रवक्ता ये कहने लगे एक डिबेट में आया हुआ व्यक्ति कि मैं ही पार्टी के फैसले करता हूँ तो वो गलत होता है। उन्होंने फैसले की बात नहीं कही, मेरी बात सुनिए, उन्होंने फैसले की बात नहीं कही, वो कार्यकर्ता है, वो मेहनत कर रहे पार्टी के लिए और जो उनके पार्टी की रणनीति है उस हिसाब से उन्होंने बताया, उन्होंने कोई फैसला नहीं सुनाया नेतृत्व के रूप में, उन्होंने कोई फैसला नहीं सुनाया। देखिए रणनीति तो अभी वो ना तो कार्य समिति के सदस्य हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं जो रणनीति बना रहे हैं। मैं यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूँ बार बार जब से डिबेट में जुड़ा हूँ कि एक बार मुलाकात हो जाने दीजिए या मुलाकात से इनकार हो जाने दीजिए तब बेहतर बता पाएंगे। क्योंकि ये कह रहे हैं जैसे माननीय पूर्व मंत्री जी कि मतलब गठबंधन तो नहीं होगा, आप आइए और उसमें समा जाइए। तो हमारा आज की डेट में 6 विधायक हैं और बसपा का 1 विधायक है, तो ये भी देखना होगा। लेकिन वोट परसेंटेज बसपा का लगभग 13% के आसपास है और हमारा बहुत कम है क्योंकि हम 17 ही सीटों पर लड़े थे। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पूर्वांचल में 18-22% राजभर जातियां हैं और अब तो ये खुला खुला समाचार पत्रों मीडिया चैनल ने भी मान लिया है। जैनिंद जी, अनिल राजभर भी तो है ना भारतीय जनता पार्टी में, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के भीम राजभर जी हैं। अगर बात किया जाए तो अनिल राजभर भी तो है ना, अगर 70% वोटिंग की आप तो एक बात कही, 17% राजभर है उत्तर प्रदेश में, तो अनिल राजभर भी तो है ना भारतीय जनता पार्टी में? नहीं नहीं नहीं, देखिए वो तो एक गली मोहल्ले के नेता हैं जिनको भाजपा ने पद दे दिया था, एक मंत्री का पद दे दिया था, इस वजह से लोग थोड़ा बहुत जानने लगे हैं। अदरवाइज उनको बनारस में कोई नहीं जानता था। और आपने देखा होगा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव उनके सामने चुनाव लड़े थे तो वो शिवपुर विधानसभा पे पूरे देश ने देखा था कैसे ईवीएम की चोरी हुई थी, गाड़ियों में भर के ईवीएम ले जाई गई थी, ये आपने भी देखा था। और उसके बाद भी केवल 9,000 वोटों का अंतर था हारने का, जब कितनी ही ईवीएम ले जाई गई और एक ट्रक भर के हमारी ईवीएम हमारे कब्जे में आ गई जो पुलिस की बात है तो हर चुनाव में ईवीएम पे सवाल उठता है। और आपने अनिल राजभर की जहां तक बात कही जैनेन्द्र जी, तो अनिल चलिए आपका ये कहना है कि वो गली के नेता थे और उनको आपको भी तो वाइस रेडी की सिक्योरिटी दी गई ना? नहीं नहीं नहीं, 10 सेकंड मुझे और दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि 18-22% राजभर जाति समुदाय है पूर्वांचल में और ये सभी ने देख लिया है। 22 से खुद भाजपा इस चीज को मान रही है, 22 से 26 सीटों पे लोकसभा की सीटों पे हमारा दबदबा है, जहां 50,000 से लेके 4 लाख
मतदाता हमारे राजभर समुदाय के केवल हैं, लेकिन हम एक जाति की राजनीति नहीं करते हैं। तो हमारे जो 6 विधायक हैं वो बहुत सारी अलग अलग जाति समुदाय और महिला पुरुषों के वोट लेके जीते हैं। तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि हमारा इतना तो दबदबा है पूर्वांचल में कि वहां से कौन जीतेगा कौन हारेगा ये हमारे बिना संभव नहीं हो पाएगा जीतने का। अकेले लड़के देखो एक बार जी। नहीं, मैंने वही कहा ना कि जीतने हारने में अंतर डाल सकते हैं हम। ठीक बात, चलिए। मैंने ये नहीं कहा हम जीत जाएंगे 50 सीट 100 सीट, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जीतने हारने में सबका अंतर डाल सकते हैं हम। चलिए समीर, आपने सुना कि किस तरह से जो सुभाषपा के प्रवक्ता है उनका कहना है कि राजभर समुदाय उनके साथ है। उन्होंने अनिल राजभर को भी बताया कि नहीं, उनको तो बस इनाम दे दी भारतीय जनता पार्टी ने। और जिस तरह से अब बसपा भी ये कहीं ना कहीं किनारा कसती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी अब दो पार्टों भागों में बढ़ चुकी है। कुछ लोग हैं जो लेना चाहते हैं इनको, ओपी राजभर को पार्टी में, कुछ लोग हैं जो अब्बास अंसारी की वजह से भी कहीं ना कहीं पीछे हट रहे। तो आपको क्या लगता है कि एट लास्ट अगर 2024, देखिए आपकी पार्टी का गठबंधन पहले एक बार बसपा से भी रहा है, कांग्रेस से भी रहा है और तमाम पार्टियों से रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अगर फिर से ओपी, क्योंकि देखिए आप एक युवा नेता हैं और हर युवा को एक सीनियर की जरूरत तो पड़ती है, जैसा कि अखिलेश यादव खुद भी कहते हुए नजर आते हैं। तो शिवपाल यादव जी भी पार्टी से ऑलमोस्ट जा चुके हैं, तो आपको क्या लगता है जरूरत पड़ी तो क्या फिर से ओपी राजभर का साथ पकड़ेंगे अखिलेश यादव, जिस तरह से 2022 में वो साथ पकड़ के हाथ पकड़ के चले थे? देखिए त्रिशला जी, जो आपने सवाल पूछा है जी। ये सवाल का आंसर मैं आपको इस तरह से देना चाहता हूं कि 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन, 2019 में बहन जी मायावती जी के साथ गठबंधन, 2022 में कई दलों के साथ गठबंधन। इतने गठबंधन में आपने एक बार भी, एक केस नहीं होगा जब आप ये कह सकती हैं कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन तोड़ा या राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गठबंधन तोड़ा। समीर सिंह एक चीज आपको याद होगा, या फिर चुनाव हारने के बाद हमने अपने किसी भी सहयोगी दल पे चुनाव हारने का भांडा फोड़ा। नहीं, मेरी बात सुनिए, अखिलेश यादव ने साफ साफ 2022 चुनाव के गठबंधन करने से पहले कहा था कि इस बार हम किसी बड़े राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेंगे क्योंकि सीटें ज्यादा मांगती है, टिकटें ज्यादा मांगती है, सीटें कम देती है। इस बार हम छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे और उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज करेंगे। यह अखिलेश, आपके जो अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनका बयान था। जी बिल्कुल जी, देखिए ये रणनीति थी क्योंकि हमने दो बड़े दलों के साथ दो चुनावों में गठबंधन किया और उसका जो एक्सपीरियंस हमें मिला वो एक्सपीरियंस हमारे लिए फेवरेबल नहीं था, तो हमने अपनी रणनीति चेंज करी। और इसी के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यह कहा था कि किसी भी बड़े दल के साथ 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी और हम छोटे छोटे दलों को साथ में लेके आएंगे और छोटे दलों की इंपॉर्टेंस, उनका उनकी पकड़ अपने क्षेत्रों में, इस सबका अखिलेश जी को पता था, जिसके चलते ही हमने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया और गठबंधन के होने के बाद 2022 का चुनाव लड़ा। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि देखिए चुनाव हम जरूर हारे लेकिन जो वोट परसेंट गठबंधन को मिला, जो वोट परसेंट समाजवादी पार्टी को मिला वो अभूतपूर्व था। इससे पहले जब हमने सरकार बनाई उसपे भी वोटिंग परसेंटेज इस बार से कम था, तो समाजवादी पार्टी की रणनीति काम नहीं है या फिर समाजवादी पार्टी खत्म होने वाली है या फिर जो लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी में अपरिपक्वता है या उनको पॉलिटिक्स करना अभी नहीं आता, ये सबका आंसर हमने 2022 के चुनाव में ऑलरेडी दे दिया है। समीर, आप सीधा कहना चाहते हैं कि आपको किसी सीनियर की जरूरत नहीं है, समाजवादी पार्टी को किसी सीनियर की जरूरत नहीं है? सीनियर की जरूरत किसने बोला नहीं है? आपने कहा ना, अगर आप समाजवादी पार्टी का टैगलाइन जी अगर आपने पार्टी की हमारी टैगलाइन देखी हो 2022 की, तो वो था बड़ों का हाथ युवाओं का साथ जी। तो बड़ों के हाथ के बिना कोई पार्टी नहीं चल सकती, तो सारे बड़े उनके एक्सपीरियंस उनके अनुभव, लेकिन अब तो सारे बड़े धीरे धीरे करके साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
नहीं कोई बड़ा साथ में नहीं छोड़ा, किसने साथ छोड़ा? शिवपाल यादव संस्थापक सदस्य है वो समाजवादी पार्टी जी, शिवपाल यादव जी 2022 में छोड़ा नहीं है साथ उन्होंने जी, मैं अभी की बात कर रही हूँ, मैं अभी की बात कर रही हूँ कि 2022 में सारे बड़े आपके साथ थे, आपने कहा था ना बड़ों का साथ और सबका विकास, ऐसा उनका टैगलाइन था, देखिए मुझे एग्जैक्टली याद जी, युवाओं का विकास ऐसा था, लेकिन अब धीरे धीरे साथ छोड़ते हुए तो नजर आ रहे हैं ना, शिवपाल यादव को भी काफी शिकायत, काफी नाराजगी है, आजम खान भी अपनी नाराजगी जताते रहते हैं। देखिए शिवपाल यादव जी एक दल है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, वो समाजवादी पार्टी के टिकट पे विधायक हैं, जिन पे हमारा साथ सहयोगी दल के तौर पे हमने साथ में चुनाव लड़ा। अब उसके बाद हमने देखा कि क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, जिसके चलते एक पत्र लिखा गया कि अगर, क्योंकि देखिए सहयोगी दल अगर ये कहते हैं कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा है तो उसमें फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता ये कहने के अलावा कि आपके पास जहां ज्यादा सम्मान मिले आप उनका उनका साथ ले लीजिए, और यही हुआ। तो अब इसमें बाकी, लेकिन अगर आप कहें कि आजम खान साहब हमारे साथ हैं वो चले गए, या फिर अंबिका चौधरी जी है, तो कई सारे ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, उदय प्रताप सिंह जी हैं जो कि नेताजी के भी टीचर रह चुके हैं, तो कई सारे ऐसे बड़े नेता हैं जिनके पास एक्सपीरियंस की खान है, तो उनका साथ समाजवादी पार्टी हमेशा साथ रखेगी और उनके उनके अनुभव का हमेशा समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा, उनकी राय मशवरे से समाजवादी पार्टी आगे 2024 के चुनाव में भी बहुत अच्छे से लड़ेगी और उसके आगे भी हम बहुत मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल राजभर, ओपी राजभर का सीधा सीधा कहना है कि चाहे कोई भी पार्टी हमारे बिना सरकार बनाना नामुमकिन है, क्या कहेंगे आप उस पर? जी दावे तो बहुत सारे थे, अब ओपी राजभर जी ने खुले मंच पे ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा नहीं आएगी, और के बाद और हमने जी समीर पूरी ताकत पूरा मीडिया लगा रहा और भारतीय जनता हमने पूरा पूरा समाजवादी पार्टी के अलावा इतना कोई दल दिखाई नहीं पड़ा उत्तर प्रदेश में मीडिया को, और उसके बाद 155 सीटें 12 दल गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी और आपका हश्र जो हुआ था हमने थी। देखा, लेकिन बसपा अगर समाज बसपा अगर समाजवादी पार्टी ने आप अगर बसपा के साथ लोकसभा चुनाव ना लड़ा होता तो आज बसपा की हालत और ज्यादा खराब होती, लेकिन उल्टा आरोप हम पे लगाया जाता है कि हमने बहुजन समाज पार्टी के साथ फायदा उठाया उनका और उनका सदगठबंधन छोड़ दिया। ये गलत फिक्र, जो टॉपिक पे बात हम कर रहे थे वो उस पे मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहूंगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही तेज पार्टी है, एक कॉर्पोरेट कल्चर के तहत वो काम करती है, जिसके चलते हमने देखा कि किस तरीके से कॉर्पोरेट कल्चर वो बढ़ा रहे हैं, किस तरह प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, और उसके बाद जनता के लिए समाज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स हैं, हमारे पास इन्फ्लेशन फिगर्स हैं, हमारे पास डॉलर के कंपैरिजन में गिरते हुए रुपए के फिगर्स हैं, और उसके बाद भ्रष्टाचार, आपका लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है, बिजली की व्यवस्था है, हर तरफ से सरकार फेल है, और समाजवादी पार्टी एक मुख्य विपक्षी दल के तौर पर यही सारी बातें जनता के समक्ष लाना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी को अपनी अपनी नीतियां सुधार के जनता जनता की भलाई के लिए काम करने के लिए फोर्स करना चाहती है। चलिए अशोक कुमार क्या कहेंगे आप इस पर, किस तरह आपने जी आपने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी 2022 में एक सीट पर आई है, मैं आपको बता दूं कि तमाम तरह के गलतफहमी फैलाई गई जनता के बीच में कि बहन जी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा और भाजपा की बी टीम है बसपा, जबकि इस बार बसपा ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाया लेकिन बीजेपी को कमजोर करने का काम किया, और जब जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई है तब तक भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, और चाय कौन पीता है जा करके योगी जी के यहाँ, गले में हाथ डाल करके कौन घूमता है,
आप बहुजन समाज पार्टी को एलिगेशन लगाते हैं, बहुजन समाज पार्टी का 10% वोट जो पढ़ा लिखा तबका था उसने, क्योंकि उसके दिमाग में था कि भारतीय जनता पार्टी को सपा हरा सकती है, ऐसा मीडिया ने जनता के बीच में दिमाग में रखा, 10% वोट हमारा समाजवादी पार्टी को प्लस करके, और मुस्लिम समाज का 99% वोट समाजवादी पार्टी को मिला, उसके बाद 155 सीट जीत करके आए। अगर मुस्लिम समाज ने हमको वोट किया होता 70% भी दिया, 60% भी दिया होता, तो हम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ के फेंक देते। अब आपको हम ये बताना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज और तमाम लोग ये जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी में, बहुजन समाज में ताकत है, वो इनको उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 2024 में हम इस काम को करने में पूरी तरीके से सक्षम है और हम करके दिखाएंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी रात दिन काम कर रही हैं और उनके साथ में जो टीम है, अब तो हमारे युवा टीम भी हमारे साथ में जुड़ गई, माननीय आकाश आनंद जी बहुत ही लर्नेड आदमी है, बहुत ही युवा और जोश से भरे हुए हैं, जिनके पीछे लाख करोड़ों युवा आज पीछे उनके खड़ा हो गए हैं। मैं आपको चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ग्रास रूट पे काम कर रही है और जो इस देश के हमारे महापुरुषों की जो सोच थी कि इस देश में अंबेडकरवाद को, संविधान को मानने वाले लोगों की सरकार होनी चाहिए, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रही हैं और वो इस देश की प्रधानमंत्री अवश्य बनेगी, और जब अब बनेगी तभी ये देश सोने की चिड़िया कहलाएगा, अदरवाइज अभी तो वो सारे जो सरकार है वो सारे संसाधन बेच रही है, शिक्षा को खत्म करना चाहती है, जो गरीब लोग, दलित शोषित लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे आज उन स्कूलों को बंद करने का काम किया जा रहा है, एक सोची समझी साजिश के तहत शिक्षा को खत्म करने का काम किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अगर इस देश को, इस देश के संविधान को, इस देश के संसाधनों को अगर कोई बचा सकता है और इस देश को अगर कोई पुनः सोने की चिड़िया बना सकता है तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और तथागत महात्मा बुद्ध, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज और तमाम जो हमारे महापुरुष हैं जिन लोगों ने सामाजिक परिवर्तन के लिए काम किया था जी। उनके विचारों पर ही ये देश सोने की चिड़िया कहलाएगा, सम्राट अशोक महान का देश बनेगा, ऐसा मैं अपनी बात आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूँ। हालांकि मैं ना मैं प्रवक्ता हूँ और ना ही मैं कोई इतना बड़ा लीडर हूँ पार्टी का, एक छोटा सा सिपाही हूँ। यह सही है कि मैं 38 साल से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा हूँ, ग्रास रूट पे काम कर रहा हूँ, और बहुजन समाज पार्टी ने मुझे राज्य मंत्री का दर्जा दे करके सम्मान देने का काम किया, 2 बार चुनाव लड़ाने का काम किया, और मैं पूरा जीवन मेरा बहुजन समाज पार्टी और महन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगा रहेगा। यह मैं अपनी बात आपके बीच में कहना चाहता हूँ, तमाम लोग इस तरीके से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, हर पार्टी का कार्यकर्ता उस पार्टी का सिपाही होता है और वो पूरी कोशिश करता है कि अपने नेता, अपने लीडर को उस स्थान पर पहुंचाए जहां वो पहुंचना चाहता है। और जहां तक रही बात गठबंधन की और भारतीय जनता पार्टी को हराने की, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जिस तरह से गठबंधन भी बिखरते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होगा कौन किसका साथ देगा, कौन किसके साथ जाएगा। और रही बात दलित शोषित वंचित की, जो आपने बात कही, तो भारतीय जनता पार्टी भी दम भरते हुए नजर आई। हालांकि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर मौजूद होते तो आपकी बातों का जवाब जरूर देते। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से अब लगातार ओपी राजभर को कोई अपनी पार्टी में लेने को तैयार नहीं है, आकाश आनंद जो सीधा सीधा ट्वीट करके उन्होंने ये कह दिया है कि जो भी बहन कुमारी मायावती जी के नाम पर रोटी सेकना चाहता है अब हम उसे रोटी नहीं सेकने देंगे, किसी को अपनी राजनीतिक रोटी नहीं सेकने देंगे। साथ ही साथ दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी दो खेमे में बढ़ती हुई नजर आ रही है।
अगर बात किया जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी से अब ओपी राजभर का गठबंधन टूट गया है। कहीं ना कहीं ओपी राजभर की वो स्थिति हो चुकी है कि ओपी राजभर ना इधर के बचे हैं ना उधर के बचे हैं, और जो 6 विधायक हैं उनको लेकर भी तमाम तरह के सवाल अब जनता की तरफ से उठना शुरू हो गया। हालांकि हमारी आज की इस चर्चा को यहीं पर रोकना चाहेंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सर।